Hello, good morning, India. Reasoning mantra, raat 9 baje. Math magic, raat 10 baje. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi study channel ko. Hello, good morning, India. Reasoning mantra, raat 9 baje. Math magic, raat 10 baje. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi study channel ko. Hello friends, welcome to Wi-Fi study, changing the way of learning. Main Hitesh Sir, fir se aapke saath hoon RRB PO aur Clerk ki reasoning ke saath. RRB PO aur Clerk ki reasoning ke saath. Theek hai? RRB PO aur Clerk ki reasoning ke saath. Aur jaisa ki hamara nara hai, अब की बार RRB पार, तो कनेक्ट हो जाइए, रेडी हो जाइए, क्योंकि सेशन होगा जबरदस्त, अद्भुत और शानदार, है ना। तो सभी लोग आ चुके हैं, आज हमारा जो डे है वो है हमारा 19th और शाम के हुए हैं कितने 9 PM। तो सभी लोगों को हमारे तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग रेडी हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आप लोगों के साथ आज जो सेशन होने वाला है जबरदस्त होने वाला है। और एक अनाउंसमेंट अभी करेंगे थोड़ी देर में, जो कि आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है डिया, चलो तो रेडी हैं सभी हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगाइए बच्चों का बिना बात किए हुए, R ग्रेटर देन इक्वल टू S वाला फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है और इसको देखते हैं क्या होगा। जस्ट डू इट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, इसका आंसर आप देखें क्या लग रहा है। जस्ट डू इट, चलिए तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। आज मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, बोथ ट्रू, ओके। देख लेते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो दिया हुआ है आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ग्रेटर देन यू, ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। और टी जो है वो है हमारा लेस देन भी, और भी जो है लेस देन डब्ल्यू। तो अगर हम देखें तो R ग्रेटर देन X दिया हुआ है, तो ये पहला सही है। दूसरा X लेस देन W दिया हुआ है, तो X लेस देन W जो है आप देख रहे हैं सारा इसके फेवर में है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर दोनों सही हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है सर, लगाइए उसको, एक क्वेश्चन छोड़ के। A ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन B वाला नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपके सामने आ रहा है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर देखें क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है, आप इसका आंसर देखें कि क्या होगा।
तो वन कह रहे हैं बच्चे, देख लेते हैं इसका आंसर, देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन सी, और सी जो है वो है लेस देन ई, और ई जो है वो लेस देन डी, है ना। सी जो है लेस देन है डी, और डी जो है सी लेस देन ई है, और ई लेस देन डी है। कंक्लूजन, सी लेस देन ए, तो सी लेस देन ए तो है, और बी ग्रेटर देन डी, तो बी और डी जो है कोई संबंध नहीं हो पाएगा, तो ओनली वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए, लगाइए सर अगला प्रश्न। अमॉन्ग सिक्स पीपल ए बी सी डी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर देखें क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। इसका आंसर देखें क्या लग रहा है, अद्भुत। चलिए क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चा, क्या लग रहा है आपको। डन, क्वेश्चन लगाओ सर, इसके नीचे है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, इसका आंसर आप देखें, जिनको नहीं आता है उनको बनाएंगे, अभी बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, जिनको नहीं आता है उनको अभी बताएंगे हम, तो बिल्कुल परेशान मत होइए आप। अच्छा, ए होगा आंसर, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, इफ इज एज 16 ईयर देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी बी एज, अगर ई का उम्र 16 साल है तो बी का उम्र जो है वो क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर, अगला प्रश्न यार आपके सामने, इसका आंसर दें क्या होगा, जस्ट डू इट। बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा। तो 12 इयर्स बच्चे कह रहे हैं, ऑप्शन 5 होना चाहिए सर, ओके। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए, तो देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन सर एक बार दोबारा लगा दीजिए, बच्चों को बता रहे हैं हम, एक बार पीछे जाके, फिर पीछे जाके, एक बार और पीछे जाओ जो आपने लगाया था। यस, एबीसीडी वाला है ना ये, हाँ, अमॉन्ग सिक्स पीपल वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन डियर आपके सामने, इसका आंसर देखिएगा, अमॉन्ग सिक्स पीपल ए बी सी डी एंड एफ, ए इज यंगर देन ओनली डी, ए जो है सिर्फ डी से छोटा है, और फिर जो है ओनली थ्री पीपल आर यंगर देन सी, सी से छोटे बस तीन लोग हैं, सी से छोटे कितने लोग हैं, तीन लोग। एफ इज यंगर देन ई बट एफ इज नॉट द यंगेस्ट, एफ इज यंगर देन ई बट नॉट यंगेस्ट, तो इसका मतलब बी यंगेस्ट हो जाएगा, तो यही आपका आंसर था, है ना। और क्लियर है ये, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। बहुत ही सुंदर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न जो है उसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। सर आप जो है
चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। बन जाएगा तो डन बोलना, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? बन जाएगा तो डन बोलना, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। भाई अभी साउंड आ चुका है, बेईमानी मत करो, ठीक है? साउंड अभी आ चुका आपके पास। चलिए तो सर क्वेश्चन लगा देते हैं, बन गया बच्चों का। पहला प्रश्न लगाइए बच्चों के लिए, दी गई व्यवस्था में कौन सा सच है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, जस्ट डू इट। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बताएं क्या होगा। और आप लोगों को बता दें कि अभी 9:45 में हम और नमन सर आपके सामने आएंगे, आपका एडमिट कार्ड जो आउट हुआ है उसके बारे में चर्चा करने के लिए और आगे आपको क्या करना चाहिए वो सब करने के लिए, ठीक है? तो अभी तैयार रहिएगा 9:45 में आप लोग। तो बच्चे कह रहे हैं टू, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, क्यों के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? और इसमें एक ऑप्शन कम है तो ई ऑप्शन जोड़ लोगे, नन ऑफ दीज। ई ऑप्शन जोड़ लोगे, नन ऑफ दीज। छोटा ऊपर कर दो इसको, ई ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज। हां ई ऑप्शन, इसमें नन ऑफ दीज जोड़ दोगे। अभी 9:45 में आपके सामने होंगे, यू हैव 29 मिनट्स लेफ्ट। बच्चों का आंसर टू आ रहा है, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन। हटा दो सर पूरा स्क्रीन से। तो यहां पर अगर हम देखें तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि आठ लोग हैं, है ना? और बोला क्या जा रहा है, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, क्योंकि ये अंदर देख रहा है तो इस तरफ जाएगा। फिर बोला जा रहा है देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन एम एंड जे, तो जे यहां भी हो सकता है, या ओ अगर यहां है, एम अगर यहां है, तो जे यहां भी हो सकता है। फिर बोला जा रहा है कि देयर इज ओनली वो 3% बिटवीन जे एंड के, तो के यहां हो गया और इस केस में के यहां हो गया। फिर यहां पर बोला जा रहा है कि पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, अब पी जे का पड़ोसी है भाई, तो पी यहां भी हो सकता है या पी यहां भी हो सकता है, और इस केस में पी यहीं पर होगा। There are only 3% between P and L. P और L के बीच तीन लोग हैं, अगर P यहाँ है तो L यहाँ होगा, तो तीन लोग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब P यहाँ नहीं हो सकता, L यहाँ हो गया। N is second to the right of P. N second right है P के, तो ये होगा नहीं, तो P के second right में N हो गया और Q यहाँ बैठ गया। तो ये हमारा प्रश्न था, क्लियर आइडिया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। दो क्वेश्चन छोड़ के सर आगे बढ़ोगे। Eight friends, namely P, Q, R, S, T. और आगे बढ़ो उसके बाद वाला में, हाँ, एट फ्रेंड्स नेमली पी क्यू आर एस टी, है ना? यही है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए लगा दीजिए, फ्लोर बेस्ड पजल है आपके सामने, जस्ट डू इट। फ्लोर बेस्ड पजल आपके सामने डियर, इसका आंसर देखें क्या होगा।
बहुत ही बढ़िया अद्भुत प्रदर्शन। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है जल्दी से करें। बन जाए तो बताना, बन जाए तो डन लिखना, बन जाए तो डन लिखना। क्या बात है, बन गया बहुत सारे बच्चों का, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन लगा दें, एक बार थम्स अप करके बताओ कि यस सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आज तो ये बुरा हाल है कि 1000 बच्चे भी नहीं आए, रीजन जाए जो भी हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लगा दीजिए सर, क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन है बच्चों के लिए कि क्यू के तल से तुरंत ऊपर कौन रहता है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया, जस्ट डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसका आंसर दें आपको क्या लग रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आप दें कि क्या लग रहा है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रदर्शन। तो बच्चों का आंसर इसमें आने लगा कि क्यू के ऊपर जस्ट जो है वो ए है भी। चलिए, आपको बोला जा रहा है सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, इसका आंसर देखें क्या होगा। जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसका आंसर देखें क्या होगा। बहुत ही अच्छा, अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। तो बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर टी हो जाना चाहिए अगले प्रश्न का। क्वेश्चन लग चुका है और बच्चों का आंसर भी लग चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। तो चीजें समझ में नहीं आई तो देखेंगे, जिनका नहीं बना क्वेश्चन उठा दो सर। यहां पर आपको बोला जा रहा है 8 फ्लोर हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 मैंने लिख लिया ये फ्लोर। और मैं क्या लिख लूं, नेम, नेम, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें, बोला जा रहा है एस लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, एस जो है इवन पे है, मतलब 2, 4, 6 और 8 पे है। फिर बोला जा रहा है कि ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच 3 लोग हैं, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। फिर लिखा जा रहा है कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड वी,
और टी भी से ऊपर है, तो ये ऐसा हो गया। फिर बोला जा रहा है कि ओनली वन पर्सन लिव्स, भी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो टी, हो गया ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन भी एंड यू, दो लोग हैं भी और यू के बीच, तो एक दो तो यू यहां, या इस केस में एक दो छोड़ के यू यहां, और इस केस में अगर हम देखें दो छोड़ के यू यहां, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस फ्लोर हो जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो भी और यू के बीच में जो दो लोग हैं वो ऐसे हो सकता है। तो फिर क्या बोला जा रहा है, डब्लू लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो यू, यू के तुरंत नीचे डब्लू है, तो ये वाला तो अगर हम देखें यू के तुरंत नीचे डब्ल्यू है अगर बोला जा रहा है, तो इसका मतलब जो है ये जो हमने रखा कि यू के नीचे टी वाला केस, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यू के नीचे डब्ल्यू को यहां रख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अगर हम आगे देखें, ठीक है, एस लिव्स ऑन इवन नंबर हो गया, ओनली थ्री पीपल लिव बिटवीन एस एंड टी, ठीक है, तब यहां पे अगर हम देखें तीन और तीन छह और एक सात तो हो चुका है, सात का मतलब किसी भी कीमत पर टी अब यहीं रहेगा, फिर एक छोड़ के भी यहां रहेगा, फिर अगर हम देखें एक छोड़ के एस यहां है, फिर हम यू और डब्ल्यू को देख लिए, फिर क्या बोला जा रहा है कि ओनली टू पीपल लिव बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच दो लोग हैं, तो एक दो छोड़ दें तो क्यू यहां। फिर बोला जा रहा है पी डज नॉट लिव ऑन द बॉटम, तो पी बॉटम पे नहीं है, तो पी को यहां बैठा लो और बॉटम पे किसको बैठाओगे, आर को, तो सिक्वेंस आपका टी पी भी क्यू है ना, एस यू डब्ल्यू और आर हो जाएगा। क्लियर आइडिया, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ गई। चलिए बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, एडमिट कार्ड आ चुका है और इसके बारे में जानकारी अभी देंगे हम रात के 9:45 में, मैं और रमन सर आपके सामने होऊंगा, आप क्लास एंजॉय करिए। अगला प्रश्न लगाते हैं आप लोगों के लिए, पजल अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर बच्चों के लिए। अ ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट विजिटेड द एचआर डिपार्टमेंट, इंग्लिश हिंदी एक साथ लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपके सामने, जस्ट डू इट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा तो डन लिखना। बन जाएगा तो बताना, बन जाएगा तो बताना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डन लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नॉट क्लियर, तो परेशान नहीं होना है।
नहीं चल रहा पता तो क्वेश्चन देते हैं फिर, और उसके बाद हम बता देंगे फिर, ठीक है? पता अगर नहीं चल रहा है तो हम बता देते हैं फिर। क्या ठीक है? तो सर क्वेश्चन लगा दीजिए बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन है यहां पर कि रिया द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन का समन्वय किया गया था? रिचा द्वारा है एक्चुअली, रिचा, यस। रिचा जो है किस कंपनी का समन्वय करती है, तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है डियर, जस्ट डू इट। नहीं बना कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना बाबू, बिल्कुल भी परेशान नाराज नहीं होइए आप। आई विल टेल यू द ट्रिक, इसका आंसर आप बताएं। ये क्वेश्चन SBI SOIT में आया हुआ है, ये क्वेश्चन SBI SOIT में आया हुआ है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ब्लू डार्ट, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न सर बच्चों के लिए लगाइए, निम्नलिखित में किस दिन होटल ताज की यात्रा थी? क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, इसका आंसर देखें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देखें क्या होगा। बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जो है, आप जो है तैयार रहें करने के लिए। ये बता दें फिर, तो बच्चे कह रहे हैं मंडे, ठीक है मंडे कह रहे हैं तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। चलिए तो इसको बताते हैं सर, सिर्फ इंग्लिश क्रॉप करके लगाना इस क्वेश्चन का, पॉसिबल है तो नीचे कर देना उसको। हाँ बिल्कुल, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है डियर, जस्ट डू इट, और इसका जो आंसर है बताते हैं हम आपको, ठीक है? चलिए तो यहां पर अगर हम देखें, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे, और उसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम देखें, डे लिख देते हैं, डे तो दिया हुआ इसमें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखना सर ये कहीं उस पर प्रिंट पे तो टकरा नहीं रहा है ना, एक बार देख लो एक बार। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां पर हम देख लिया इसको, और ये हम इसमें नाम और मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये लिख लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको देखें, बोला जा रहा है यहां पे, सबसे पहले बोला गया, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि संडे वॉच कोऑर्डिनेटेड बाय संजीव, राजीव, कौन है? संडे को राजीव के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया, संडे को, तो ये है राजीव, ठीक है? इसके बाद बोला जा रहा था विजिट ऑफ ब्लू डार्ट वॉज ऑन ट्यूजडे, ब्लू डार्ट का ट्यूजडे को था, ब्लू डार्ट का ट्यूजडे को था। इसके बाद अगर हम देखें, द विजिट टू द एनजीओ तरंग वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय मनीष, एनजीओ तरंग जो है ये मनीष के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया, मनीष। फिर बोला जा रहा है कि इट वॉज नॉट ऑन सैटरडे, लेकिन ये सैटरडे को नहीं था। फिर बोला जा रहा है कि द विजिट टू होटल ताज वॉज नाइदर ऑन फ्राइडे नॉर सैटरडे, ताज जो है वो फ्राइडे या सैटरडे को नहीं था। फिर बोला जा रहा है एंड इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय परवेज, और ये परवेज के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था, परवेज के द्वारा। फिर बोला जा रहा है कि आगे यहां पर बोला जा रहा है अमित कोऑर्डिनेटेड द विजिट दैट वाज ऑन थर्सडे,
अमित जो है थर्सडे को कोऑर्डिनेट किया, तो अमित को यहां रख लेते हैं भाई। आगे अगर हम देखें तो बोला ये जा रहा है देयर वॉज अ होलीडे डे आफ्टर ब्लू डॉट, तो यहां पर ये होलीडे है, ये क्या है होलीडे। फिर यहां पर बोला जा रहा है द विजिट टू आशीर्वाद प्लास्टिक वॉज बिफोर द फार्माकोलिटिक्स, तो आशीर्वाद जो प्लास्टिक है, आशीर्वाद वो जो फार्मा वाला है उससे पहले था। तो अगर हम देखें सैटरडे को एनजीओ तरंग का नहीं होता है, लेकिन ये मनीष करता है, ठीक है भाई। और परवेज जो है वो फ्राइडे सैटरडे दोनों नहीं करता है, तो परवेज को सबसे पहले यहां बैठा लो। और ये कहां गया था, तो ताज। और ये मनीष जो है सैटरडे को नहीं है, तो मनीष जी को यहां बैठा लो। ये है तरंग, एनजीओ तरंग है ना, एनजीओ तरंग। अब हमारे पास जो बच गए आशीर्वाद जो है उससे पहले है, किससे, तो यहां पर इसका मतलब दो हॉलीडे है, तो एक हॉलीडे ये भी हो गया और ये आशीर्वाद हो गया और ये हो गया फार्माकुलिस्ट वाला, ठीक है। और एक नाम हमारे पास जो बच गया है वो नाम है रिचा जी का, तो रिचा छड्डा को यहां लिख लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था, क्लियर आइडिया, कोई दिक्कत नहीं चीजें, कोई दिक्कत। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। वेडनेसडे और सैटरडे होलीडे, तो आपका आंसर इसके थ्रू चला गया, क्लियर है ये, कोई परेशानी नहीं है ना, एक बार थम्स अप करो जल्दी से। तो परवेज रिचा हो गई, फिर अमित हो गया, फिर मनीष, फिर राजीव हो गए, और होटल ताज हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, फिर आशीर्वाद, फिर एनजीओ तरंग, और उसके बाद फार्माकुलिस्ट। चलिए, तो अगला प्रश्न जो है बच्चों के लिए लगाते हैं, इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। लगाइए सर ये वाला, 20 छात्र की उत्तर की ओर एक सीधी रेखा में खड़े हैं, रीना बाएं छोर से छठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, इसका आंसर देखें क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, ऑफ हो गया क्या, चलो ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या होगा, अनीता और टीना के बीच कितने लोग हैं, अनीता और टीना के बीच कितने लोग हैं, इसका आंसर बताइए। दो लोग, चलो ठीक है। क्वेश्चन सर उधर शिफ्ट करो, इसको हटा दो। यहां पर अगर हम देखें 20 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन नॉर्थ, तो
तो यहां बोला जा रहा रीना स्टैंडिंग सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, रीना सिक्स्थ है लेफ्ट से। फिर बोला जा रहा है देयर आर ओनली थ्री स्टूडेंट्स बिटवीन रीना एंड श्वेता, एक दो तीन, ये है श्वेता, रीना और श्वेता के बीच तीन लोग हैं, तो इसका मतलब छह सात आठ नौ ये दसवीं हो गई बाई ओर से। फिर बोला जा रहा है कि राधा इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन श्वेता एंड रीना, ये राधा है, ठीक है। क्वेश्चन लंबा वाला, आगे यहां पर बोला जा रहा है टीना इज स्टैंडिंग सिक्स टू द राइट ऑफ राधा, तो एक दो तीन चार पांच छह ये टीना हो गई। तो यहां पर अगर हम देखें राधा यहां पर आठवीं है, नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं, ये चौदहवीं हो गया फोर्टींथ। अब यहां पर बोला जा रहा है अनीता इज स्टैंडिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट, अनीता फोर्थ फ्रॉम राइट है। देयर आर मोर देन फोर स्टूडेंट बिटवीन रीना एंड टीना, रीना और टीना के बीच मोर देन फोर स्टूडेंट है, तो एक दो तीन चार मोर देन फोर हो गया। तो अगर हम देखें चौदह हो चुका है और चार इधर अठारह, तो एक चौदह के बाद पंद्रह सोलह और चार बीस। पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि अनीता और टीना के बीच कितने लोग हैं, अनीता और टीना के बीच कितने लोग हैं, तो हमारा आंसर जो है टू के साथ चला गया। किसके साथ? टू के साथ चला गया। क्लियर आइडिया? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें है? चलिए बहुत ही बढ़िया, चीजें समझ में आ गई, अद्भुत प्रदर्शन, बहुत सुंदर। क्वेश्चन हटा दो सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अनीता के संबंध में श्वेता की स्थिति क्या है, अनीता के संबंध में श्वेता की स्थिति क्या है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन लगा दिया सर, क्वेश्चन आपके सामने दिया, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर देखिए क्या होगा। और अभी पांच मिनट बाद 9:45 में हम लाइव होंगे, प्लीज बी रेडी फॉर दैट। हिंदी में रॉन्ग था, क्या बात कर रहे हो? राधा श्वेता और रीना के बीच है, टीना राधा के दाहिने और छठे स्थान पर लाइन के दाहिने छोर से, अनीता चौथे पर, रीना और टीना के बीच चार से अधिक छात्र हैं, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। तो आंसर ऑप्शन थर्ड है। चलो सर क्वेश्चन हटा दो। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा जबरदस्त। मैंने भी आपको बहुत ज्यादा प्रयास कराया कि आपको अच्छा से अच्छा चीज दें, मटेरियल दें, ठीक है। तो कल मिलेंगे नए जोश, नए एनर्जी, नए ताकत के साथ, नए क्वेश्चन सेशन के साथ। अच्छे से रहिए, तैयार रहिए और बढ़िए रहिए, है ना। यहां पर जो है लाइक जरूर करना, जल्दी से 1000 लाइक पहुंचा दो, शेयर करके बताना कैसा लगा, कमेंट करना, और यहां पर सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना, ठीक है डिया। अभी मिलते हैं तुरंत 4 मिनट बाद आपसे 9:45 में, मैं और नमन सर। आपके एग्जाम के डेट आ चुके हैं, अब आके आपको क्या करना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे के प्रोसेस को बढ़ाना है, उसके लिए तैयार हो जाइए। सी यू इन 4 मिनट्स। गुड नाइट, अभी नहीं कहेंगे आपको, 11 बजे कहेंगे। थैंक यू।